जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच में टेस्ट मैच का दूसरा दिन खेला गया उसी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट मुकाबले में स्मृति मांधना ने शतक जड़ते के साथ ही रच दिया बड़ा इतिहास, तोड़ा ऐसा बड़ा रिकॉर्ड कि जानने के बाद आप भी करोगे उनको सलाम। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि जब मिताली राज कर रही थी बल्लेबाजी तो उस दौरान उनको ऑस्ट्रेलियाई टीम की गेंदबाज ने आउट करने के लिए बनाई एक ऐसी रणनीति कि देखने लायक था पूरा नजारा, वीडियो देखकर आपको भी नहीं होगा यकीन। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनिंग बल्लेबाज स्मृति मांधना ने क्वींसलैंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र डे नाइट टेस्ट मुकाबले में आज दूसरे दिन के मुकाबले के दौरान शतक जड़ दिया। जी हां दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों यहां पर भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच में टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है जहां पर इस टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन था। तो वहीं पहले दिन का खेल बारिश के कारण धुल गया था जहां पर पहले दिन भारतीय महिला टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 144 रन बनाए थे और 144 रन पर भारतीय महिला टीम का एक विकेट गिरा था, लेकिन आगे का मैच बारिश के चलते हो नहीं सका था। और ऐसे में आज जब 144 रनों से आगे खेलना भारतीय महिला टीम की बल्लेबाजों ने शुरू किया तो आज मैदान पर उतरी स्मृति मांधना जो कि 77 रनों से आगे खेलने आज मैदान पर आई जहां पर उन्होंने आते से ही अपना पहले तो शतक पूरा किया। जी हां दोस्तों स्मृति मांधना ने मात्र 159 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर दिया और 159 रनों की पारी के दौरान उन्होंने 18 चौके और एक बड़ा छक्का लगाया था। तो वहीं दोस्तों स्मृति मांधना ने शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन आज के इस मुकाबले में कर दिखाया जहां पर उनका बखूबी साथ निभाती हुई नजर आई पूनम रॉड। हालांकि दोस्तों यहां पर पूनम रॉड का विकेट सोफी मोलिनिक्स ने गिरा दिया था जहां पर वो 36 रन बनाकर आउट हुई। तो वहीं पूनम रॉड के आउट होने के बाद मैदान पर उतरी ताली राज जहां पर स्मृति मांधना ने आज के इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन, लेकिन एशले गार्डनर ने उनको तालिया मैकग्रैथ के हाथों कैच आउट करवाया जहां पर स्मृति मांधना 216 गेंदों में 127 रन बनाकर आउट हुई और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 22 चौके और एक बड़ा छक्का लगाया था। तो वहीं दोस्तों स्मृति मांधना के आउट होने के बाद मैदान पर उतरी यष्टिका भाटिया जहां पर मिताली राज और यष्टिका भाटिया के बीच में काफी अच्छी साझेदारी देखने के लिए मिली। जी हां दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय क्रिकेट टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और दूसरे दिन के खेल के दौरान भारतीय महिला टीम का दबदबा देखने के लिए मिला। हालांकि दोस्तों रन से पहले भारतीय महिला टीम ने अपने 2 विकेट अपने पहले ही सेशन में आज दूसरे दिन गंवा दिए थे और ऐसे में अब भारतीय महिला टीम से उम्मीद होगी कि वो आगे अच्छी बल्लेबाजी कर इस स्कोर को आगे बढ़ाए और ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के सामने लगभग 400 या फिर 500 रन तक का स्कोर बनाए, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को इन्हें रोकना है तो उसके सामने एक बड़ा टोटल रखने की भारतीय महिला टीम को काफी ज्यादा जरूरत है। और ऐसे में अब इसकी जिम्मेदारी अधिकतर मिताली राज और यष्टिका भाटिया के ऊपर रहेगी जहां पर इनके बाद तानिया भाटिया, दीप्ति शर्मा सभी गेंदबाज मैदान पर उतरने वाले हैं और ऐसे में इन पर अभी दारोमदार रहने वाला है। बाकी दोस्तों अब आपकी क्या राय है इनके बारे में और आपको क्या लगता है कि आज की भारतीय महिला टीम इस पहले इंटर मुकाबले को जीत पाएगी या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली खबर निकल कर आ रही है वो ये है, स्मृति मांधना ने डे नाइट टेस्ट मुकाबले में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर बनी, करली सचिन और सौरभ की बराबरी। जी हां दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर बल्लेबाज स्मृति मांधना ने क्वींसलैंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र डे नाइट टेस्ट मुकाबले में शतक जड़कर इतिहास रच दिया जहां पर दूसरे दिन के खेल के दौरान एलिसा पेरी द्वारा डाले गए 92 ओवर में चौका जड़कर स्मृति मांधना ने अपना शतक पूरा किया और यह मांधना का टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक है। वहीं उन्होंने अपना शतक 170 गेंदों में पूरा किया जहां पर उन्होंने 18 चौके और एक छक्का जड़ा था। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि मांधना भारत के लिए डे नाइट टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं और इनके अलावा पुरुष टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी भारत के लिए डे नाइट टेस्ट मैच में शतक जड़ने का कारनामा किया। तो वहीं कोहली ने नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले गए डे नाइट टेस्ट मैच में शतक जड़ा था। बाकी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि स्मृति मांधना पहली ऐसी वुमेन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक जड़ने का कारनामा किया होगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है स्मृति मांधना के इस रिकॉर्ड के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही कि चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में आईपीएल 2021 का 44वां मुकाबला खेला जा चुका है, जहां पर इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 6 विकेट से जीत मिली और इसी जीत के साथ प्लेऑफ्स के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने क्वालिफाई कर दिया है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि चेन्नई की तरफ से सबसे ज्यादा रनों की पारी इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर से खेली है, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 30 गेंदों में 45 रन बनाए और वहीं फाफडू प्लेसिस ने 36 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली और इन्हीं की इस पारी की बदौलत इस मुश्किल पिच पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस मैच में जीत हासिल कर पाई। तो वहीं दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए थे, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 135 रनों का लक्ष्य मिला। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने क्या क्या बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया इस दौरान दी है दोस्तों, यहां पर पहले बयान निकल कर आता है आकाश चोपड़ा का, जहां पर आकाश चोपड़ा कहते हैं कि छक्का लगाकर मैच फिनिश करना धोनी के बल्ले से हमने लगभग 10 साल के बाद देखा है। वाह माही, आपने कमाल कर दिया। शानदार जीत के साथ प्लेऑफ्स में एंट्री के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों यहां पर आकाश चोपड़ा ने महेंद्र सिंह धोनी को बधाइयां दी हैं। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, जो अगला बयान निकल कर आता है वो है इरफान पठान का, जहां पर इरफान पठान कहते हैं कि छक्के के साथ क्वालिफाई करना प्लेऑफ्स के लिए ये बस महेंद्र सिंह धोनी ही कर सकते थे। शानदार जीत, आगे के मुकाबलों के लिए खूब सारी बधाइयां। तो दोस्तों यहां पर इरफान पठान ने भी महेंद्र सिंह धोनी को बधाई दी और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को भी। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, जो अगला बयान निकल कर आता है वो है वीरेंद्र सहवाग का, जहां पर वीरेंद्र सहवाग ने बोला है कि महेंद्र सिंह धोनी को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए ढेर सारी बधाइयां, उम्मीद है कि इस बार चेन्नई सुपर किंग फाइनल में प्रवेश कर जरूर खिताब अपने नाम करेगी। तो दोस्तों यहां पर वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर सभी ने काफी बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी और उनकी टीम के प्लेऑफ्स में पहुंचने के ऊपर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है क्रिस गेल आईपीएल 2021 से हुए बाहर, इस कारण बीच में छोड़ा पंजाब किंग्स का साथ। जी हां दोस्तों, पंजाब किंग्स के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने आईपीएल 2021 के बाकी बचे मुकाबलों से बाहर हो गए, जहां पर गेल ने T20 वर्ल्ड कप से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार और तरोताजा रखने के लिए आईपीएल बीच में छोड़ने का फैसला लिया है, जहां पर पंजाब किंग्स ने गुरुवार 30 सितंबर को देर रात एक प्रेस रिलीज कर इसकी जानकारी दी। इसमें लगातार बायो बबल में रहने के कारण हो रही थकान को क्रिस गेल के इस फैसले की वजह बताया गया। मैं फिर से अपना ध्यान T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की मदद करने में लगाना चाहता हूं और दुबई में एक ब्रेक लेना चाहता हूं। पंजाब किंग्स को मुझे यह समय देने के लिए धन्यवाद। का फैसला बिल्कुल सही है या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।